गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी का जो स्प्रिंग बोर्ड के राजस्थान ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि इवनिंग सेशन में हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर वन है कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें है कि बैराट हिल्स कहाँ से निकलती है, बैराट हिल्स से कौन सी नदी निकलती है, बाणगंगा निकलती है जो कि जयपुर में है, ठीक है। तो बाणगंगा का बेसिन एरिया होता है जयपुर, दौसा और भरतपुर, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलते, ए में थर्ड हो गया, ठीक है, ए में थर्ड हो गया। और उदयनाथ हिल से कौन सी नदी निकलती है, उदयनाथ हिल कहाँ पर, जो कि अलवर में, वहाँ से रूपा रेल निकलती है। और सेवर हिल से कौन सी निकलती है, सेवर से साबी निकल जाएगी, ठीक है। तो और यहाँ पे है उसके बाद बिजराल हिल्स और मैथा, तो बिजराल हिल्स से खारी निकल जाएगी। तो कौन सा हो गया, ए में थर्ड हो गया और बी में फोर हो गया, थर्ड फोर्थ, और सी में वन हो गया और डी में फाइव हो गया, थ्री फोर वन फाइव बी इसका राइट आंसर हो गया, बी। उसके बाद में है बरखान बालुका स्तूप किस जिले में सर्वाधिक मिलते हैं, बरखान बालुका स्तूप हैं वो कहाँ पे मिलते हैं सर्वाधिक, बरखान मिलते हैं चूरू, शेखावटी में, चूरू जिले में सर्वाधिक मिलते हैं, ठीक है, बरखान बालुका स्तूप। ये अंदर जैसे कि डिस्कशन में दिया हुआ है कि अर्धचंद्राकार आकृति में बनने के कारण इनकी स्थलाकृति को बरखान कहते हैं, ये ऐसे ऐसे आकृति में बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो और ये सर्वाधिक चूरू जिले में मिलती हैं। उसके बाद में है काठी बग्गी क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है बालुका स्तूप के प्रकार हैं, सरस्वती नदी के, तो बालू के स्तूप के प्रकार में कोई काठी बग्गी नहीं आता, सरस्वती नदी के भूगर्भिक जल के अवशेष हैं ये भी नहीं होता, मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाले पशुधन की ये भी नहीं होती, पशुधन की नस्लें भी नहीं होती, और गग्गर बेसिन में मिलने वाली उपजाऊ मिट्टी, तो काठी और बग्गी ये उपजाऊ मिट्टी हैं, इसका आंसर है डी, गग्गर बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं, ठीक है, इसका आंसर है डी। तो काठी बग्गी क्या है, काठी बग्गी चिकनी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है गग्गर बेसिन में, ये बेसिन श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ तक विस्तृत है, ठीक है। उसके बाद में लाठी सीरीज के बारे में सत्य कथन बताने अपने को, लाठी सीरीज के बारे में सत्य कथन, ठीक है, लाठी सीरीज, इसका विस्तार जैसलमेर जिले के रामगढ़ से पोखरण तक है, तो ये गलत ऑप्शन है, पोखरण तो है, पोखरण से ये मोहनगढ़ तक फैली हुई है, ठीक है, यहाँ पे जैसे अपन मान लेते हैं पोखरण और यहाँ पे मोहनगढ़, ठीक है, तो ये पोखरण से मोहनगढ़ तक फैली हुई, तो ये ऑप्शन गलत है। इस क्षेत्र में बुरघास पाई जाती है, तो लाठी सीरीज में बुरघास नहीं पाती, बुरघास पाई जाती है बीकानेर में, ठीक है, बुरघास कहाँ पे पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है बुरघास, और जहाँ पे गोडावन की शरण स्थली, तो बुरघास में नहीं, ये कहाँ है, लीलण सावण जो जैसलमेर में घास पाई जाती है उनमें, तो इनमें से कोई भी सत्य कथन नहीं है, दोनों असत्य हैं, तो आंसर हो गया डी, इनमें कोई भी सत्य नहीं है। उसके बाद में है ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का विस्तार कितने राज्यों में है, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है, भारत के चार राज्यों में है, जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रेट डेजर्ट में इसका अराउंड, ठीक है, ये राजस्थान हो गया, राजस्थान के ऊपर यहाँ पे पंजाब हो गया, यहाँ पे हरियाणा हो गया, तो पंजाब हरियाणा राजस्थान और यहाँ पे अपने गुजरात, तो चार डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, पंजाब हरियाणा सॉरी पंजाब हरियाणा राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, पंजाब हरियाणा राजस्थान और गुजरात में ये फैला हुआ है, ठीक है, अराउंड इसका इंडिया में जो फैला हुआ डेजर्ट है उसका अराउंड 62% कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, और इनमें 38% के अराउंड पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे सकते हैं तो ये थार का मरुस्थल है, भारत में 86% पाया जाता है, पाकिस्तान में 14% पाया जाता है, इनमें राजस्थान में 62% है और 38% इन तीन स्टेट में पाया जाता है, गुजरात पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। उसके बाद में है कि अपने को असत्य कथन देखने हैं, पहले तो यहाँ पे ये असत्य कथन है,
अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। इसको रेसिड्यू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। अवशिष्ट पर्वत अरावली की दिशा राजस्थान में नैऋत्य से ईशान की तरफ है, जो कि सही है। ऐसे होता है कि यह हो गई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं ईशान, इसको बोलते हैं ईशान, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं ईशान, ठीक है। ये ईशान हो गई और ये नैऋत्य हो गई, ये साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट हो गई नैऋत्य और ये हो गई ईशान, ठीक है। तो इसकी ये डायरेक्शन सही है, राजस्थान में नैऋत्य से ईशान की ओर है। अरावली की कुल लंबाई 550, ये गलत फैक्ट है। राजस्थान में ये अरावली की कुल लंबाई, ये राजस्थान में है इसकी लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई है अराउंड 650 एंड अबव, ठीक है। ये अरावली की कुल लंबाई है। तो असत कथन पूछा, असत कथन इसमें थर्ड है, इसका ऑप्शन थर्ड है। तो अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और 550 किलोमीटर राजस्थान में विस्तृत है, ठीक है। उसके बाद अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में, अरावली का सर्वाधिक विस्तार है अपने उदयपुर जिले में, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार, तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उसमें भी लिखा है कि अरावली की सर्वोच्च ऊंचाई सिरोही जिले में है, जिसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली के सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है, जो कि मेवाड़ अरावली के अंतर्गत आता है। इसका सर्वोच्च शिखर जरगा है, जो कि उदयपुर में है। अरावली का सबसे कम विस्तार में न्यूनतम ऊंचाई अजमेर जिले में है, और यहाँ पे इसकी चोटी है टौडगढ़। टौडगढ़ यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की। पिडमांट से क्या तात्पर्य है, पिडमांट किससे क्या है तात्पर्य है, नदियों द्वारा जमा किए गए अवशादों से निर्मित आकृति, ये नहीं है। नदियों द्वारा जमा किए गए अवशादों से निर्मित आकृति को अपने जम्मू कश्मीर में करेबा कहते हैं। करेबा, जैसे जैसे अवसाद आते जाते हैं, ये यहाँ पे सेडिमेंट जमा होते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं करेबा। करेबा जम्मू कश्मीर में बोलते हैं। और यहाँ पे केसर की खेती की जाती है, केसर की खेती की जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। उसके बाद नदियों के अपरदन से निर्मित पर्वतीय पदीय भाग, तो ये इसका राइट आंसर है। नदियों के अपरदन से, जैसे कोई भी ये माउंटेन है, यहाँ से नदियाँ गिर रही हैं, ठीक है, नदियाँ गिर रही हैं, तो यहाँ पे जो पठार बनेगा नदियों के अपरदन से, उसको पिडमेंट माउंटेन को बोलते हैं। और पिडमेंट पठार का एक डेफिनेशन होती है कि पिडमेंट पठार पाए जाते हैं, कि फुटिल रीजन ऑफ माउंटेन, माउंटेन के फुटिल रीजन में पाए जाते हैं, उनको पिडमेंट पठार बोला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी है। दक्षिणी अरावली में स्थित पर्वतों की मेखला, नहीं, तो ये बी इज राइट आंसर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है राजस्थान में ऐसे पाए जाते हैं, इनको पिड माउंट बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे सत्य कथन पूछा है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर में माई के मैदान को 56 का मैदान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर नहीं, यहाँ पे प्रतापगढ़ आएगा, ठीक है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के माई के मैदान को 56 का मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 56 गांवों से निकल के ये माई नदी निकल जाती है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, तो इसलिए इनको 56 का मैदान कहा जाता है। उसके बाद में है सेकंड ऑप्शन कि मालपुरा करौली के मैदान का विस्तार अजमेर टोंक सवाई माधोपुर जिले में है, बिल्कुल सही है। मालपुरा करौली का इनको याद करने का है, ATM से याद करते हैं अपन, A4 अजमेर, T4 टोंक और M4 माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। उसके बाद अबनालिका अपरदन से चंबल के उत्खाद स्थलाकृति वाले मैदान का निर्माण हुआ है, बिल्कुल। अबनालिका, जिनको रेवाइंस बोलते हैं इंग्लिश में, रेवाइंस, ठीक है। रेवाइंस अपरदन से चंबल में रेवाइंस अबनालिका अपरदन पाया जाता है, इसलिए ये सही है। तो इसमें पूछा गया है सत्य कथन पूछा है, तो सत्य कथन है इसमें, ये गलत है, ये सही, ये सही। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, 2 एंड 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का विकल्प को छांटिए, ठीक है। गेहूं की फसल हेतु 15 से 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। 15 से 20 डिग्री बहुत देर टाइम 15 के आसपास चाहिए होता है, जब ये ग्रो करती है उस टाइम पे 10 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है गेहूँ की फसल के लिए, और जब इसकी कटाई की जाती है तो उस टाइम पर ये 20 डिग्री के
और टेम्परेचर के अराउंड की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद में गेहूँ की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, बिल्कुल। गेहूँ की फसल कहाँ पे बोई जाती है? मेनली प्लेन्स एरिया में बोई जाती है, और प्लेन्स एरिया में अलूवियल सॉइल पाई जाती है, अलूवियल, जिसको जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में रबी की फसल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं की फसल, ठीक है, तो गेहूं की फसल के लिए है, ये तो सही है ऑप्शन, जलोढ़ मिट्टी की उपयुक्तता होती है, बिल्कुल सही है। रबी की फसल के 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। जैसे राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में गेहूँ की फसल जैसे ये मैदानी भागों में, पूर्वी मैदानी भागों में खूब होती है, यहाँ पे भी गेहूं की फसल खूब होती है, तो यहाँ पे कितनी बारिश की आवश्यकता होती है? 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन है। करण नेक्स्ट है इसमें, करण कैलाश ज्योति किसकी किस्म है? तो एक करण कैलाश, केदार ज्योति, ये हैं जौ की किस्म है, ठीक है। तो इसमें आंसर डी इज राइट, ठीक है, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म को छांटिए। तो मक्का पूसा की फसल है, कपास की बरा लक्ष्मी है, गन्ना की लाल बहादुर गन्ना की फसल नहीं है, गेहूं की फसल है, जैसे कि यहाँ पे है कि लाल बहादुर गेहूँ किस्म की फसल है, तो ये चाहिए। और बाजरे की राजवन, तो यहाँ पर यही ऑप्शन है कि ये मैच नहीं कर रहा कि लाल बहादुर किसके, ये गेहूं की फसल है, ठीक है, ये गेहूं की फसल है लाल बहादुर। उसके बाद में है वन सर्वेक्षण के अनुसार अनुसंधान संस्थान द्वारा वन गणना कितने वर्षों में की जाती है? वन गणना की जाती है FRI द्वारा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में, ठीक है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में वनों की गणना की जाती है, ठीक है। उसके बाद में है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, वन सर्वेक्षण वन प्रति 2 वर्ष में की जाती है, सर्वप्रथम 1987 में यह गणना की गई थी, हाल ही में 17वीं गणना की गई है वनों की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखित वन राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? अभिलेखित का मतलब होता है रिकॉर्डेड, ठीक है, रिकॉर्डेड वन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितने हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का है परसेंटेज 9.60 रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का है, तो आंसर बी इज राइट, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट 0.60, और यहाँ पे 32.8 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया 32.8, ठीक है। ये रहा कुल अवेलिकित एरिया है 32.8 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में है कि राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में शुष्क सागवान टीक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टीक फॉरेस्ट, अब ये जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये राजस्थान का मैप हो गया, कि राजस्थान के मैप में टीक फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? टीक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एक तो बागड़ रीजन में पाए जाते हैं अपने, और उसके बाद में यहाँ पे कोटा वाले इलाके में, हाड़ौती वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं ये टीक फॉरेस्ट, ठीक है। तो टीक फॉरेस्ट एक तो बागड़ में पाए गए, यहाँ पे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर इधर पाए जाते हैं, और कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये बागड़ रीजन में पाए जाते हैं। तो यहाँ से अब ये 2 ही ऑप्शन हैं, ये बागड़ क्षेत्र में और ये हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में नहीं पाए जाते। और उसे अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन से पाए जाते हैं? अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में सेमी एरिड एरिया में धोक फॉरेस्ट पाया जाता है, जो कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है धोक फॉरेस्ट। और यहाँ मेवाड़ क्षेत्र आता है अपने ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन, ये 2 ही ऑप्शन है कि बागड़ क्षेत्र और यहाँ पे हाड़ौती क्षेत्र, 1 और 3 इज राइट आंसर, ठीक है। सेवन परसेंट शुष्क सागवान पाए जाते हैं टीक फॉरेस्ट, इन वनों का सर्वाधिक महत्व है कि आवश्यकता 75 to 100 सेंटीमीटर की होती है। इन वनों में गूलर, महुआ, पलाश इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। तेंदु वृक्ष का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तेंदु वृक्ष का राष्ट्रीयकरण 1974 में किया गया, तो ये फैक्ट है, इसमें ऐसे समझाने को कुछ नहीं है, ठीक है। करण
किससे संबंधित है? करंज और अंजन किससे संबंधित है? पेट्रोलियम कुओं के नाम नहीं है, पशुओं की नस्ल नहीं है, सिंचाई यंत्रों के नाम नहीं है। तो इसमें लास्ट ऑप्शन घास की किस्में, यही बचा। घास की किस्में हो सकती हैं करड़ और अनंज, ठीक है, अंजन, करड़ और अंजन, कर धामन, करड़, अंजन घास की किस्में हैं। अब यहाँ पे है कि धामन कहाँ पर पाई जाती है? धामन घास मवेशियों के लिए पौष्टिक आहार है, करड़ घास सूखे हुए लवणता की समस्या के निवारण के लिए, अंजन घास मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए मनाई जाती है, ठीक है। तो धामन, करड़ और अंजन ये किसकी हैं? ये घास की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर, ऑब्वियसली मरुस्थल है, जोधपुर और शेखावटी, इन तीन जिलों में जैसलमेर, जोधपुर और शेखावटी में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। नागौर में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में जैसलमेर, जोधपुर और शेखावटी, इसमें ऑप्शन सी 1, 2 और 3 इज राइट, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, मरुस्थल वाले एरिया में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और शेखावटी में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलुई मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मृदा और लाल चिकनी मिट्टी। लाल चिकनी मिट्टी है, ठीक है, लाल चिकनी मिट्टी सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, तो इनमें है कैल्शियम, भूरी रेतीली मिट्टी, ठीक है, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? बलुई मिट्टी में पाया जाता है कैल्शियम, ठीक है, बलुई मिट्टी में कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद में भूरी रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी में फॉस्फेट पाया जाता है, सर्वाधिक फॉस्फेट पाया जाता है। और सी में जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है पोटास, ठीक है, पोटास पाई जाती है। और लाल चिकनी मिट्टी लो ऑक्साइड में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जैसे हम देखते हैं कि लाल चिकनी मिट्टी, लाल कलर लोहे का लाल कलर किस लाल पाया जाता है, लो ऑक्साइड की वजह से मिट्टी का कलर लाल होता है, ठीक है। तो यहाँ से डी में एक ये है, तो इसका ऑप्शन बलुई मिट्टी में हो गया कैल्शियम, भूरीली रेती में फॉस्फेट और जलोढ़ में पोटास, इसका ऑप्शन 1 इज राइट। निम्नलिखित में असुमिलित युग्म है, ठीक है, तो असुमिलित युग्म कौन कौन से? परतदार अपरदन हो गया, अबनालिका अपरदन हो गया, चादरी। परतदार अपरदन, परतदार अपरदन होता है, ये पश्चिमी राजस्थान में होता है। परतदार अपरदन क्यों होता है कि जैसे जो एयर होती है, जो विंड होती है, उसकी वजह से वो जो सॉइल की जो लेयर है उसको इरोड कर देती है, उसकी वजह से ये होता है। और ये सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। अब नालिका अपरदन ऑब्वियसली चंबल बेसिन में पाया जाता है। चादरी, चादरी जिसको बोलते हैं कि मतलब एक चादर के रूप में हटा देती है, जो कि बरसात की वजह से होती है, रेनफॉल की वजह से होती है, जो राजस्थान और सिरोही में सर्वाधिक होती है, चादरी अपरदन, ठीक है। तो इसमें असुमिलित युग्म पूछे, असुमिलित युग्म इनमें से कोई भी असुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है अत्यधिक जल आपूर्ति, एनीकट का निर्माण करना, ऑब्वियसली एनीकट का निर्माण करना मृदा संरक्षण का उपाय है, वृक्षारोपण करना भी मृदा अपरदन का उपाय है, फल चक्रण, फल को इसका ऑप्शन ए इज राइट कि एनीकट का निर्माण करना मृदा संरक्षण का उपाय है, वृक्षारोपण करना, फल चक्रण, फल को बदल बदल के बोना, ये भी मृदा संरक्षण का उपाय है। तो इसमें अत्यधिक जलापूर्ति करना ये मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। उसके बाद में है निम्नलिखित में से कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण से संबंधित नहीं है, कोपेन द्वारा, ठीक है। तो कोपेन द्वारा कौन कौन से हैं? कोपेन द्वारा है AW है, ठीक है, AW है, BWHW है, BSHW है, ठीक है। कोपेन का जैसे हम देखते हैं, कोपेन का ये होता है, ठीक है, ये एरिया हो गया कोपेन का, ठीक है, उसके बाद में ये एरिया हो गया और एक सी ये हो गया और ये AW हो गया, ठीक है, चार हैं, इसको AW बोल देते हैं। ये CA, CGW होता है और ये होता है
बी एस एच डब्लू और बी बी डब्लू एच डब्लू, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पे सी ए डब्लू है, सी ए डब्लू इसका नहीं है, ये ट्री वार्थक होता है, सी ए डब्लू ट्री वार्थक होता है। यहाँ पे सी ए जी ऑप्शन होता तो राइट आंसर होता, ठीक है। तो इसका आंसर है सी ए डब्लू, ठीक है, सी ए डब्लू ट्री वार्थक का है, ठीक है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। जलवायु वर्गीकरण डी से तात्पर्य है डी, ठीक है। तो जलवायु वर्गीकरण में डी से तात्पर्य है अति आद्र, उपाद्र, शुष्क और अधसुर। इसको देखते हैं इधर, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन लेटर डी रेफर्स टू, डी किसको रेफर करता है, डी रेफर करता है यहाँ पे सेमी एरिड एरिया को, सेमी एरिड एरिया को करता है डी, सेमी एरिड एरिया को डी डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये देखा जाता है, अपन देखते हैं कि जैसे थॉर्नबेट का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें देखते हैं कि थॉर्नबेट इस एरिया को तो, ठीक है, ये अपने यहाँ पे सब ह्यूमिड एरिया पाया जाता है, सब ह्यूमिड, इसको तो सी ऑप्शन दे देता है, सी देता है। ये एरिया को एरिड वाले को ई दे देता है, फुली एरिड को। और यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, तो ये डी वाले पोर्शन होते हैं, इनको देता है सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड। और ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था, ये क्लासिफिकेशन थॉर्नबेट के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म है, कौन कौन से असम्मिलित युग्म है, सी ए डैश डब्लू, डी ए डब्लू और डी बी डब्लू, ई ए डी, ठीक है। तो ई ए डी अपन देखते हैं, ई ए डी बाड़मेर, तो ये बाड़मेर में पाया जाता है, ठीक है, ये बाड़मेर है पहले में, डी में बाड़मेर सही है। उसके बाद में डी बी डब्लू, ठीक है, ये थॉर्नबेट का ही है, ठीक है, जैसे अभी अपन ने देखा था। तो यहाँ पे ये तो हो गया सी ए डैश डब्लू, सी ए डैश डब्लू हो गया, ये हो गया इधर ई ए डैश डी, ठीक है, और ये बी पोर्शन हो गया डी बी डैश डब्लू, ठीक है। तो इसमें है डी बी डैश डब्लू, डी बी डैश डब्लू ये ऊपर वाले एरिया में पाया जाता है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, तो थोड़ा पार्ट बीकानेर और चूरू, इनमें पाया जाता है। तो यहाँ पे दौसा, दौसा नहीं आएगा, दौसा आएगा डी ए डब्ल्यू में, डी ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू डैश में आएगा तो दौसा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट, असम्मिलित युग में, तो असम्मिलित में यही आएगा दौसा, ठीक है, डी बी डब्ल्यू, डी ये दौसा कहाँ पे आएगा, इसमें ही आएगा डी ए डब्ल्यू डैश में आएगा दौसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम्मिलित युग्मों की पहचान कीजिए, चूरू, जैसलमेर, माउंट आबू, ठीक है। तो चूरू ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म स्थान, ठीक है, सर्वाधिक गर्म स्थान की बात की जा रही है, ठीक है। तो चूरू अपने आप में गर्म स्थान में नहीं आता, ये सर्वाधिक गर्म जिला में आता है, ठीक है, ये जिला में आता है। तो जगह तो कौन सी आती है, जगह तो आती है जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर फलौदी है, फलौदी वो सर्वाधिक गर्म जगह में आती है, जोधपुर में फलौदी है, और अभी तो फलौदी न्यू डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो फलौदी अपने आप में आएगी सर्वाधिक गर्म स्थान। और जैसलमेर राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, ठीक है, तो ये सही है, दैनिक तापांतर जैसलमेर पाया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। माउंट आबू राजस्थान न्यूनतम तापमान वाला जगह, न्यूनतम तापमान वाला जिला माउंट आबू, तो इसमें एसमेंटियम कौन सा, केवल वन, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हाँ, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म स्थान फलौदी है, जो कि अभी तो फलौदी डिस्ट्रिक्ट अपने आप में आ गया है, फलौदी में ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, और सर्वाधिक चूरू है। अब यहाँ पे मरु क्षेत्र से निम्न थॉर्नबेट किस जलवायु को सम्मिलित करता है, तो मरु क्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पे, ये देख लेते हैं, मरु क्षेत्र की बात की जाती है, ठीक है। मरु किसको बोलते हैं, अपन जैसलमेर वाले इलाके को बोलते हैं, तो इसमें ई ए डी ऑप्शन आना चाहिए, क्या है, ई ए डी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है, यहाँ पे ई ए डी वाले को बोलते हैं मरु क्षेत्र, मरु क्षेत्र जैसलमेर वाला एरिया आता है, तो ई ए डी डैश आएगा, ई ए डी डैश, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान में मानसून से संबंधित शाखाएं हैं, मानसून से संबंधित शाखाएं कौन कौन सी हैं, पश्चिमी घाट शाखा, पश्चिमी घाट शाखा मानसून,
राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान की बात की जा रही तो राजस्थान पश्चिमी घाट शाखा नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में हिमाचल शाखा, हिमाचल शाखा है, छोटा नागपुर शाखा राजस्थान में नहीं होती। उसके बाद शिवालिक शाखा, शिवालिक या हिमाचल शाखा दोनों इनको बोल सकते हैं। तो ये दोनों दो एंड चार बी ऑप्शन है, ठीक है। पश्चिमी घाट शाखा जैसे कि हम देख सकते हैं राजस्थान के मैप में, ठीक है, तो पश्चिमी घाट यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे केरल, महाराष्ट्र और गोवा यहीं पे बारिश करती है, ये पश्चिमी घाट वाले। उधर से फिर यहाँ अरब सागर शाखा आती है हमारे राजस्थान, अरब सागर शाखा एक अरावली के पैरेलली निकल जाती है, तो ये हिमालय से जाके टकराती है, इसको हिमाचल शाखा बोल देते हैं। और ये ही दूसरी शिवालिक शाखा, ठीक है, तो शिवालिक से जाके टकरा देती है, इनको बोलते हैं छोटा नागपुर पठार। ये यहाँ से नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच से निकल जाती है और यहाँ पर छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार झारखंड में जाके टकराती है, ठीक है। तो ये राजस्थान से रिलेटेड नहीं है और पश्चिमी घाट नहीं है, तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन हैं अपने से रिलेटेड राजस्थान से, हिमाचल शाखा और शिवालिक शाखा, ठीक है। राजस्थान में पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान पे पश्चिम मरुस्थल को अलग करने वाली, पूर्वी मैदान और पश्चिम मरुस्थल को अलग करने वाली समवर्षीय रेखा का चयन कीजिए, ठीक है। समवर्षा रेखा कौन कौन सी है जो कि पूर्वी मैदान को और पश्चिम मरुस्थल को अलग करती है, अलग करने वाली समवर्षा रेखा, ठीक है। समवर्षा रेखा है इसमें मैदान को और पश्चिम मरुस्थल को, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं, ये राजस्थान हो गए, यहाँ से ये अरावली जा रही है, ठीक है। अरावली से जाने वाली कौन सी रेखा, 50 सेंटीमीटर रेखा है, ठीक है, जो कि दो भागों में डिवाइड करती है राजस्थान को, दो भागों में डिवाइड करती है और दो बराबर भागों में 40 सेंटीमीटर, यहाँ से 40 सेंटीमीटर जो कि दो भागों में डिवाइड करती है राजस्थान को, बराबर दो बराबर भागों में 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे है कि पूर्वी मैदान और पश्चिम मरुस्थल को अलग करने वाली समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आंसर होना चाहिए, बी इज राइट आंसर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर इसका है। अगर यहाँ पे बोल देता कि राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटे तो 40 सेंटीमीटर आंसर आ जाता, ठीक है। अब है कि निम्नलिखित में लूनी का अपवाद क्षेत्र में नहीं है, लूनी के अपवाद क्षेत्र में कौन कौन सा नहीं है, अजमेर, लूनी का अपवाद क्षेत्र है अजमेर है, बाड़मेर है, अजमेर से नाग पहाड़ियों से निकलती है लूनी नदी, बाड़मेर में जाती है, और जैसलमेर और जोधपुर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसलमेर नहीं आता, जैसलमेर ऑप्शन में नहीं आता, ठीक है, जैसलमेर ऑप्शन में नहीं आता। इसका अपवाद क्षेत्र का अपना बजाज, अपना बजाज, ठीक है। तो A4 अजमेर, P4 पाली, N4 नागौर, B4 बाड़मेर, J4 जालौर और J4 जोधपुर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे न्यू लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार पाली, पाली भी नहीं आएगा, पाली जो पहले पाली का जैतारण वाला इलाका आता था उससे लूनी नदी बहती थी तो वो इसके बेसिन एरिया में आता था, अभी जैतारण को ब्यावर क्षेत्र में कर दिया है, तो यहाँ पर ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। और लूनी नदी बाड़मेर के बालोतरा से निकलती थी, ठीक है, बालोतरा डिस्ट्रिक्ट से निकलती थी, अभी बालोतरा से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहती है, दक्षिण में प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहती है, एक ही नदी है दक्षिण से प्रवेश करती है पश्चिम में बहती है, माही नदी, ठीक है। उसके बाद में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग सेई सल सुरंग है, मानसी बाकल, मानसी नदी बाकल की सहायक नदी है, गुजरात की राजधानी साबरमती नदी के किनारे, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है, और कहाँ पे साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ये सही है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग सेई जल सुरंग सबसे फर्स्ट जल सुरंग है, ठीक है, सेई जल सुरंग सबसे फर्स्ट जल सुरंग है, और मानसी नदी बाकल की सहायक नदी है, मानसी नदी बाकल की सहायक नदी है, मानसी बाकल बिल्कुल सही हो सकता है, और गुजरात, इनमें दो ऑप्शन, दो कथन सही हैं, देखते हैं। राजस्थान की जब सबसे लंबी जल सुरंग मानसी बाकल है, ठीक है, मानसी बाकल है, और सेई जल सुरंग है, ये फर्स्ट जल सुरंग है राजस्थान की, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये दोनों सही हैं, ठीक है।
राजस्थान की एकमात्र नदी जो हरियाणा के गुरुग्राम में विलीन हो जाती है, हरियाणा के गुरुग्राम में विलीन हो जाती है, सागी और साबी है, ठीक है। तो यहाँ पे हरियाणा के गुरुग्राम में जो कि अलवर साबी नदी है, साबी नदी यह हरियाणा के गुरुग्राम में विलीन हो जाती है। यह यहाँ से अपने जयपुर से निकलते सेवर की पहाड़ियों, सेवर की पहाड़ियों से अलवर से होते हुए हरियाणा के गुरुग्राम में अंतर्विलीन हो जाती है, ठीक है। तो साबी नदी है, ठीक है। सामेला, सामेला से तात्पर्य है काली सिंध व आहू का संगम, लूनी नदी का अब्बा क्षेत्र नहीं, माही नदी की सफाई नहीं, मैग्नी इसका है काली सिंध और आहू नदी, काली सिंध और आहू नदी का संगम सामेला कहलाता है। काली सिंध और आहू नदी के दोनों के बीच किनारे पे कौन सा है? गागरौन का फोर्ट, गागरौन फोर्ट काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर बसा है, ठीक है, जो कि झालावाड़ में, और यहाँ पे गागरौन फोर्ट बसा हुआ है। निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी बांध परियोजना, सबसे बड़ी बांध परियोजना, बांध की बात करिए, बांध परियोजना है। सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन होता है? ताकतवर राणा प्रताप थे, तो राणा प्रताप सागर यहाँ पे हो जाएगी सबसे बड़ी बांध परियोजना, राणा प्रताप सागर, ठीक है। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में राजमहल में त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? राजमहल में, ठीक है, राजमहल की बात कर रहे हैं ये, तो राजमहल में कौन कौन सी? तो चंबल का राजमहल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चंबल का राजमहल से कोई मतलब नहीं, तो दो ऑप्शन को काट दीजिए, दो तीन चार, और ए और डी ऑप्शन तो कट गए, अब इनमें से एक चार और एक तीन, एक एक तो है ही बनास करेगी, और बनास किन किन के साथ राजमहल में वो करेगी, ठीक है। अब राजमहल में करेगी ये वन व फोर्थ इसके बनास के साथ में, और डाई नदी के किनारे, डाई नदी दोनों बनास और डाई ये राजमहल में त्रिवेणी संगम बनाते हैं। इनके साथ में एक नदी और आती है, वो है कि टोंक के राजमहल में बनास, बनास आती है, बनास खारी और डाई, बनास खारी और डाई तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं राजमहल में, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से पांचना बांध में गिनने वाली नदियां हैं। पांचना बांध कहाँ? पांचना बांध है करौली में, जो कि राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ बांध है पांचना बांध, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? पांचना बांध, तो पांचना बांध में कौन कौन सी हैं? भद्रावती नदी और माची और बरखेड़ा, इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। पांचना बांध में नदियाँ कौन, पांचना बांध करौली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, पांचना बांध जो कि मिट्टी का बना हुआ बांध है, ठीक है। तो इसमें भद्रावती, माची और बरखेड़ा ये तीनों नदी आगे गिरती हैं। ये ए तो, ए और बी तो नहीं, एराव और अन्नास, एराव और अन्नास तो माही की सहायक नदी हैं, अन्नास जो कि बांसवाड़ा में माही में आके मिलती है, और एराव भी माही की नदी है, एराव और अन्नास, ठीक है। तो एक और तीन, तो ऑप्शन एक को काट दो, तीन को काट दो, और तो ये ऑप्शन सी ही बचा, तो ऑप्शन सी ही राइट आंसर। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन इसको कर सकते, एराव और अन्नास इन दोनों के बारे में आइडिया है, तो तीन को काट दिया, तो तीन को समय से काट दिया, तो दो दो चार पाँच बचा, ठीक है। उसके बाद में है निम्नलिखित असम्मिलित युग में है झील और नदी है, ठीक है। तो असम्मिलित युग का निर्माण करना है कायलाना झील, कायलाना, तो कायलाना झील बीकानेर में नहीं है, यहाँ पे कोलायत झील है, कोलायत झील है, और कायलाना जोधपुर में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, तो नंद समन, तो इसमें ऑप्शन फोर, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज राइट, ठीक है। नंद समंद राजसमंद में है, सरदार समंद, सरदार समंद ये जोधपुर पाली में, सरदार और रंग सागर, रंग सागर उदयपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि कायलाना झील तो कहाँ पे है? कायलाना झील जोधपुर में, जहाँ तक अपने IGNP आ रही है, ठीक है। और यहाँ बीकानेर में कौन सी है? कोलायत है, कोलायत जहाँ पे कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की स्थापना की, ठीक है, सांख्य दर्शन को लिखा था कपिल मुनि ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झीलों के बारे में, झीलों को सुमेलित करना है डेवर झील, ठीक है, फतेह सागर, उदय सागर और आना सागर, ठीक है। तो इनको बात करते हैं, आना सागर झील बांडी नदी के किनारे पे है, ठीक है, संबंधित है आना सागर झील से बांडी नदी है, तो डी में थर्ड, डी में थर्ड ऑप्शन
बी इज राइट आंसर, ठीक है। एक में डी में थर्ड है तो इसी से मिल गया, एक से मिल गया डी में थर्ड। तो ए में टू डेवर दी, डेवर झील कहाँ से, गोमती नदी, ठीक है, डेवर झील से गोमती नदी संबंधित है। उसके बाद बी में फोर्थ हो जाएगा फतेह सागर, फतेह सागर में शीस रमा जी नदी आती है फतेह सागर में, और उदय सागर में, उदय सागर झील में बेड़ा नदी आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब है सांवर झील के बारे में। सांवर झील यह अंत स्थलीय झीलों में देश की सबसे बड़ी झील है। अंत स्थलीय झीलों में देश की सबसे बड़ी झील है। सांवर झील से प्राप्त नमक को क्या कहा जाता है। यह राजस्थान में सम्मिलित एकमात्र रामसर साइट है। इसके निर्माण की जानकारी बिजौलिया शिलालेख से मिलती है। तो ये राजस्थान में सम्मिलित एकमात्र रामसर साइट नहीं है, ठीक है। इसका है कि रामसर साइट एकमात्र रामसर साइट नहीं है। दूसरा केवलादेव घना पक्ष बिहार जो कि भरतपुर में, वो भी एक रामसर साइट है। इसलिए ऑप्शन असत्य पूछा है तो ऑप्शन सी इसमें असत्य होगा। देश की सबसे बड़ी अंतर्स्थलीय झील हो सकती है, अंतर्स्थलीय झील है देश की सबसे बड़ी, ठीक है। सांवर के क्यारी, क्यार बोलते हैं, क्यारियों से नमक को प्राप्त किया, क्यार बोलते हैं। इसके निर्माण की बिजौलिया शिलालेख से मिलती है। बिल्कुल सही, सी आंसर इज राइट कि एकमात्र रामसर साइट नहीं, राजस्थान में दो रामसर साइट हैं, एक तो सांवर झील हो गई और केवलादेव घना पक्षी बिहार हो गया। उसके बाद में है राजस्थान राज्य से संबंधित रामसर साइटों में केवलादेव है 1981 में और 1990 में सांवर झील हो गया। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना 2016 में सम्मिलित हैं, कौन कौन से सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसका है कौन से पांच जिले हैं निम्नलिखित में राष्ट्रीय उसमें राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना 2016 में है, पांच हैं। दो तो उदयपुर की हैं, दो अजमेर की हैं और एक माउंट आबू की नक्की झील है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि फाय सागर नहीं है, पिछौला झील, पुष्कर झील और आना सागर झील, ये दोनों हो गई अपने अजमेर की हो गई, पिछौला और फतेह सागर हो गई ये उदयपुर की। तो फाय सागर ने एक तीन चार पाँच होंगी इसमें, एक तीन चार पाँच, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। और एक लास्ट है जो कि पाँचवीं है, वो नक्की झील है, ठीक है, नक्की झील जो कि माउंट आबू में, ठीक है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है अपने को, ठीक है। मावटा का है, मावटा अपन बात करते हैं, मावटा आता है जयपुर में, ठीक है, जो कि आमेर में बना हुआ है मावटा जयपुर में। रामसर सागर अपन बात करते हैं धौलपुर में, ठीक है। तलवाड़ा हनुमानगढ़ में है, तलवाड़ा जहाँ से कि अपनी तलवाड़ा जो कि घग्गर नदी हनुमानगढ़ में एंटर करती है, वो जगह को तलवाड़ा कहा जाता है। और फिर बताए काडला, ठीक है, तो काडला होता है झालावाड़ में, काडला झालावाड़ में, ठीक है, काडला झालावाड़ में हो गया। तो ये ऑप्शन है कि थर्ड, ए में थर्ड, बी में वन, थर्ड वन, सी में टू और डी में फाइव। थर्ड थ्री वन टू फाइव, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट, 3125। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कौन सा, अनुसूचित जनजाति है, एसटी की बात हो रही है यहाँ पे, शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे पाया जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत ट्राइबल एरिया सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है, साउथ वाले एरिया में ही पाई जाती है, राजस्थान के साउथ में। तो इनमें से राजस्थान के साउथ में दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। ये ऑप्शन में यहाँ से पता चल सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, ये ऑप्शन इज राइट, ठीक है। उसके बाद में है 42 में है, इसमें भी सम्मिलित करवा रहे हैं कि सर्वाधिक महिला साक्षरता, सर्वाधिक शहरी साक्षरता, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता, सर्वाधिक शहरी साक्षरता की बात करते हैं। तो ये शहरी साक्षरता सर्वाधिक उदयपुर में आती है, बी में वन है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए, एक और तीन, तो इसमें आएगा बी और डी में से कोई भी आएगा, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की हम बात करते हैं, तो महिला साक्षरता की जो कॉमन साक्षरता है उसी में तो ए में फोर्थ आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है, डी आंसर इज राइट आंसर। तो महिला में तो फोर आ गया और न्यूनतम ग्रामीण साक्षर न्यूनतम सर्वाधिक शहरी साक्षरता में ये आ जाएगा, ठीक है, 41। और सी में थर्ड आ जाएगा, सी में थर्ड, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता सिरोही में और न्यूनतम शहरी साक्षरता नागौर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4132 आंसर।
राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करते हैं अपन। तो राजस्थान का, सबसे पहले राजस्थान का हम लिंग अनुपात देख लेते हैं। राजस्थान का लिंग अनुपात कौन सा है? 927 है राजस्थान का लिंग अनुपात। तो किस क्षेत्र में सर न्यूनतम लिंग अनुपात, न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करते हैं। तो न्यूनतम लिंग अनुपात कहाँ पे होगा? पश्चिम मरुस्थलीय, दक्षिण पर्वतीय, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसका आंसर है पूर्वी मैदानी क्षेत्र प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में न्यूनतम लिंग अनुपात है। न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो, और इसका है कि धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है डी जे, डी जे के बी। ठीक है, डीजे कब बजेगा? तो ये है कि भरतपुर वाले इलाके में जो कि पूर्वी मैदानी भाग है वहाँ पे डीजे खूब बजता है। तो जब लिंगानुपात कम होगा तो लिंगानुपात बढ़ाने के लिए तो डीजे बजाएंगे, तो डीजे कब बजेगा? डीजे के बी। ठीक है, तो न्यूनतम लिंगानुपात डीजे के बी, तो धौलपुर पूर्वी मैदानी प्रदेश में है इसका। ठीक है, उसके बाद में है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किधर हुई है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है श्रीगंगानगर में। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर में हुई है, बाड़मेर और जैसलमेर, बी जैसे याद कर सकते हैं, सर्वाधिक बाड़मेर और जैसलमेर में, न्यूनतम श्री गंगानगर, झुंझुनू और पाली में। ठीक है, कपास निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र की प्रमुख फसल है? कपास, कपास किसकी है? कपास कहाँ पे पाई जाती है? सर्वाधिक कपास पाई जाती है सर्वाधिक अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी पूर्व, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र में तो कपास बोई नहीं, कम पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, तो कहाँ पे पाई जा सकती है? इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, डी उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र। ये राजस्थान का मैप देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान के मैप में उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, सिंचित मैदानी क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? सिंचित मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं अपन के, और ये वाला इलाका पाया जाता है जो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला है, ये सिंचित मैदानी क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र इधर पाया जाता है, और आर्द्र दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी यहाँ पे पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत पाई जाती है कपास, आर्द्र दक्षिणी पूर्व मैदानी और अर्ध पूर्व मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे। तो इसका आंसर डी इज राइट आंसर। गेहूँ, गेहूँ निम्नलिखित में से किस जलवायु क्षेत्र की प्रमुख फसलों में शामिल नहीं है? गेहूँ, ठीक है, लूनी नदी का अंतः मैदानी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र, अंतः स्थलीय जलोत्सन के अंतः, ये कैसा, हाँ ट्रांजेशनल प्लेन ऑफ द लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, लूनी बेसिन मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे गेहूं की खेती की जाती है। इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन रीजन, नॉर्थ वेस्ट में भी की जाती है। ठीक है, ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो मेजर क्रॉप नहीं है, ठीक है, गेहूं मेजर क्रॉप नहीं है, ये कहाँ पे है? इसका आंसर सी है कि राजस्थान के 10 में से 9 जलवायु क्षेत्रों में गेहूं की प्रमुख फसल के रूप में केवल अंतःस्थलीय जलोत्सन, बढ़ती मैदानी क्षेत्र नागौर, सीकर, झुंझुनू व चूरू जिले का भाग गेहूँ शामिल नहीं है, मेन फसल में शामिल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन खनिजों का राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य नहीं है? एकमात्र उत्पादक, तो एकमात्र उत्पादक राज्य किन चार खनिजों में आता है? बोल्सेनाइट में आता है, बोल्सेनाइट, सेलेनाइट, जी सीसा और जस्ता, सीसा, जस्ता, बोल्सेनाइट और सेलेनाइट, ये चार मात हैं जिनमें कि एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो किन में नहीं है, किन में नहीं देखना, तो बोल्सेनाइट को हटा देते हैं, फोर ऑप्शन को हटा देते हैं, फोर ऑप्शन को हटाते ही ये क्वेश्चन हो जाता है कि फोर ऑप्शन हटा, फोर ऑप्शन हटा, फोर, दो तीन चार, दो तीन चार, अब दो तीन चार देख लेते हैं, दो तीन, दो तीन पाँच, सॉरी दो तीन पाँच, तो सेलेनाइट और बोल्सेनाइट हटा दिए हैं अपन ने। ठीक है, तो दो तीन पाँच बी इज राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किन फसलों के उत्पादन में श्रीगंगानगर का प्रथम स्थान है? श्रीगंगानगर का प्रथम स्थान है, श्रीगंगानगर का है गन्ना, गन्ना में और जौ में, गन्ना और जौ में श्रीगंगानगर का प्रथम स्थान है। तो आंसर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से ढूंढाड़ सर्किट सम्मिलित नहीं है, ढूंढाड़ सर्किट सम्मिलित नहीं है। ढूंढाड़ सर्किट में है जयपुर, दौसा, टोंक और रामगढ़, ठीक है। तो इसमें है टोंक ढूंढाड़ सर्किट में सम्मिलित नहीं है। ढूंढाड़ सर्किट में कौन कौन से हैं? जयपुर है, आमेर है, शामोद है, रामगढ़, दौसा और आवानेरी है। टोंक नहीं है इसमें, ठीक है, टोंक नहीं है। टोंक रणथंबोर सर्किट के अंतर्गत आता है, टोंक रणथंबोर सर्किट के अंतर्गत आता है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना महाराणा प्रताप की कौन सी पुण्यतिथि पर शुरू की गई थी? मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना महाराणा प्रताप की चार सौ भी पुण्यतिथि पर, ठीक है। तो ये कोई फैक्ट है, ठीक है, मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना की शुरुआत की गई महाराणा प्रताप की 400वीं पुण्यतिथि। तो आज के लिए इतना ही, और इवनिंग सेशन में और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।